हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको चिंता करनी पड़ेगी, आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि टेंशन ना लेके ही सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, लेकिन मैं ये क्या बात बोल रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ कि अगर आप एक्चुअल में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको टेंशन लेनी पड़ेगी। बट इस लाइन के साथ मैं कंडीशंस अप्लाई भी मैं बोलना चाहूँगा। आपको चिंता ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन वो एक लिमिट में करनी चाहिए। और चिंता बिल्कुल वैसे ही करो लाइफ में जैसे कि आप सब्जी में नमक यूज़ करते हैं, क्योंकि वो कम होगा तो वो आपको स्वाद देगा, लेकिन अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो गई तो वो जहर बन जाएगा और आपको नुकसान देगा। तो ऐसे ही चिंता होती है कि जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हो तो आप टेंशन लो। जब आप टेंशन लेते हो तो आपके अंदर, आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आता है कि मैं इस बात को लेके टेंशन में हूँ तो इसका सोल्यूशन मुझे कैसे मिलेगा। और जब आप टेंशन लेते हो तो आप उसके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपना काम स्टार्ट करते हो। तो आपको टेंशन वहाँ तक लेनी है जहाँ तक आप अपने आप को स्टार्ट कर रहे हो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में। और जैसे ही आपने अपने आप को स्टार्ट कर दिया, राइट, तो अब आपको अपनी सारी एनर्जी उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में लगानी है और आपको चिंता नहीं करनी है। ये बहुत ही बारीक लाइन होगा और आपको इस पर वर्क करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन आपको समझ में आएगी। आपको टेंशन को कब यूज़ करना है, जब आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो और आप अपने आप को स्टार्ट करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप चिंता नहीं करोगे तो आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में भी नहीं सोचोगे, और जब आप किसी चीज़ के लिए चिंतित होगे तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए काम करोगे। अब आपका माइंड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को चिंता में ख़राब करते हैं या उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है उसे ढूंढने के लिए आप उसे यूज़ करते हैं। आपको अपनी सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट करके आपको सिर्फ ये ढूंढना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। कई बार हमारी लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सोल्यूशन हम ऐसे लगाते हैं कि जैसे अगर हमारे पास्ट में कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ था तो उसका सोल्यूशन हमको किस बात से मिला था, तो वो सेम रूल हम अप्लाई करते हैं। बट जब प्रॉब्लम बड़ी होती है, नई होती है, जो उससे पहले हमने नहीं देखी होती है, तो हमें चिंता ज़्यादा होती है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि उसका सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पे एक मैं आपको बहुत छोटी सी ट्रिक बताना चाहूँगा, बहुत इजी है, लेकिन जब हम टेंशन में होते हैं, जब हमें प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता है तो वो हमें बहुत बड़ी लगती है और कभी हम उसे यूज़ भी नहीं करते। जब भी हम कभी प्रॉब्लम में हों और हमें लगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है और अपने आप को उन चिंताओं में आप घिरता हुआ पाते हैं, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में रखना कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। और अगर आपको अभी अपनी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं मिला है, इसका मतलब कि आप अभी तक पुरानी चीज़ों को ही यूज़ कर रहे थे जिन सोल्यूशंस ने आपको अभी तक हेल्प किया था। बट ये एक नई तरीके की प्रॉब्लम है, इसके लिए आपकी सोच भी अलग तरीके की होगी, तभी आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। और आपकी सोच अलग तरीके की, यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स आपकी थिंकिंग तब हो सकती है तब आप अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करके उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप उस एनर्जी को डिवाइड करोगे चिंता में और सोल्यूशन को ढूंढने में, तो आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलने में देरी होगी और हो सकता है कि वो ना भी मिले। क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी आप चिंता में लगाते जाओगे, वो चिंता एनर्जी को ज़्यादा लेती जाएगी और आपको नया तरीका सोचने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको कम मिलती जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाने के लिए, तो दो चीज़ें हम लोगों को करनी है। पहली चीज़, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में हों तो हमें उसके लिए चिंतित होना है, हमें उसके लिए टेंशन लेनी है। क्योंकि जब आप टेंशन लोगे तो आपका माइंड इस चीज़ को समझेगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो क्रिटिकल है, इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ। और जब आप उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए काम करना स्टार्ट करते हैं, तब आप चिंता छोड़ दो और आपको सिर्फ अपना पूरा ध्यान इस चीज़ पे रखना है कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको कैसे मिलेगा। पूरी एनर्जी उस चीज़ पे आप लगा दो। जब आप पूरी एनर्जी के साथ में सोचोगे, पॉजिटिविटी के साथ में सोचोगे और इस थॉट प्रोसेस के साथ में सोचोगे कि हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, तो आपको पक्का गारंटीड उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।